إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري أحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، يا رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. उम्मीद करती हूँ आप तमाम बहनें बाखैर और आफियत से होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा सूरह कहफ का ये सिलसिला चल रहा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला इसी तरह से हमें साबित कदमी के साथ इसे जोड़े रखे। कल हमने देखा था आयत नंबर 11 तक कि किस तरह से अल्लाह ताला ने उनके कानों पर पर्दा डाल दिया था और किस कई साल तक वो इसी तरह से सोते रहे। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे आयत नंबर 12 से शुरू। अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान यह है कि रहम करने वाला है। सुम्मा बअथनाहु, सुम्मा फिर बअथनाहु, हमने उठाया हम उनको, लिनालम ताकि हम जान ले, अयु कौन, अल हिस्बैनी दो ग्रोहों में से, टू पार्टीज में से, अहसा ज्यादा याद रखने वाला है, लिमा इसको, लबीसु वो ठहरे रहे, अमदा उस मुद्दत तक। यानी इस आयत में ये दो ग्रोहों यानी ये दो पार्टी से मुराद इख्तलाफ करने वाले लोग हैं, या तो उसी दौर के लोग हो सकते हैं जब ये लोग गारे हिरा के लोग सॉरी असहाबुल गार वाले गार के जो नौजवान जब वो बेदार हुए थे तो उस वक्त इख्तलाफ हुआ हो लोगों में कि कितने दौर तक है, कितने वक्त तक, कितने पीरियड तक ये लोग थे जिंदा या सोए हुए थे, या हो सकता है कि ओहदे रिसालत यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मोमिन और काफिरों के मुराद हो कि जब ये वाकया उनसे बयान किया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान, क्योंकि ये वाकया पिछली किताबों में भी जिक्र था तो यहूद और नसारा तो उस दौरान वो लोग जो सुनते आए थे उन लोगों में इख्तलाफ हुआ हो कि नहीं कितने अरसे तक वो लोग रहे। या ये भी हो सकता है, कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि असहाबे कहफ यानी ये जो नौजवान थे गार में उन्हीं के दो ग्रोह बन गए थे कि एक ग्रोह कहता था कि हम इतने अरसे तक सोए और दूसरा उनमें की दूसरी पार्टी ये कहती थी कि नहीं हम इतने टाइम तक के सोए। बहरहाल अल्लाह आलम, बस अब ये यहाँ बताया जा रहा है कि बस जब उनको उठाया ताकि हम जान ले कि उन दोनों में से कौन सही मुद्दत को पहचाने कि वो कितने मुद्दत तक यानी कितने टाइम तक वो वहां पर सोए रहे। फिर हम उसके आगे देखते हैं कि अल्लाह ताला फिर उसके आगे हम देखते हैं कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि नहनु हम, अब अल्लाह ताला बता रहे हैं कि हम नकुसु बयान करते हैं, अलैका आप पर, नबा वाकिया हम उनका, बिलहक हक के साथ। अब ये किसके वाक़े की जिक्र हो रही है, यही असाबुल कहब के वाक़े की जिक्र हो रही है कि उनके हालात को अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि हम आपके सामने सही सही बयान करेंगे। क्या है वो वाक़या, क्या है वो स्टोरी, इन्नहुम बेशक हम वो, फितयतुन चंद नौजवान थे, आमनु वो ईमान लाए थे, बि रब्बिहिम अपने रब के साथ, वो जिद ना हूँ और हमने ज्यादा किया था हूँ उनको हुदन हिदायत में। अब आयत नंबर 13 में हमने देखा कि अब यहाँ से पूरी तफसील के साथ बताया जा रहा है कि ये कौन लोग थे। ये हमने देखा था, पहले भी हमने जाना था कि बेसत ईसा ने मरियम यानी ईसा अलैहि सलाम की बेसत से पहले का ये वाकया है कि एक बादशाह था दकियानूस जिसका नाम था, वो लोगों को बुतों की इबादत करने और उनके पूजा करने के लिए तरगीब देता था। तो किस तरह से अल्लाह ताला ने इन चंद नौजवानों के दिलों में ये बात डाल दी कि इबादत के लायक सिर्फ एक अल्लाह है, उसकी तौहीद को इतना पुख्ता किया इनके दिलों में कि वो सिर्फ एक ही अल्लाह की इबादत करे, एक ही अल्लाह पर ईमान लाए। अल्लाह ताला ने
यहाँ पर वो रबतना, और हम अल्लाह ताला बता रहे हैं कि हमने मजबूत कर दिया अला कुलूबिहिम उनके दिलों को इस, जब कामू खड़े हुए और फकालू उन्होंने कहा, क्योंकि अल्लाह ताला ने क्या कहा उन्होंने, क्यों अल्लाह ताला ने इतना उनके दिलों को मजबूत किया, क्योंकि इतना ईमान उनका पुख्ता था। फकालू कि उन्होंने कहा रब्बुना, ए हमारे रब, रब्बु समावात आसमानों और जमीन, आसमानों का रब, वल अर्ज और जमीन का रब, लन हरगिज नहीं, नदउ हम पुकारेंगे, मिन दून ही उसके सिवा इलाहन किसी और को माबूद। लकद अलबत्ता तहकीक कुलना हमने कहा इजन इस वक्त शतता जुल्म व ज्यादती वाली बात। यानी अब ये पूरा वाकया ये हो रहा है कि अब जैसा हमने कहा कि दकियानूस वो बादशाह था और ये चंद नौजवान थे जो ईमान लाए थे, अल्लाह पर यकीन रखते थे। अब उस बादशाह को इनके बारे में पता चला, तो वो बादशाह उनको अपने दरबार में बुलाता है और उनसे पूछता है। तो इन लोगों का निडरपना देखिए माशाल्लाह, कि ये लोग हक के साथ, ये लोग ईमान के साथ इतना ज्यादा मजबूत थे कि अल्लाह ने उनकी हिदायत को इतना ज्यादा मजबूत किया था, अल्लाह ने उनके दिलों को ईमान से इतना भर दिया था कि वो बेखौफ होकर, निडर होकर बादशाह के सामने फौरन ये कहते हैं कि हम सिर्फ अपने रब को पुकारेंगे, हमारा रब वो है जो आसमानों का रब है, जो जमीन का रब है, हम उसके अलावा किसी और रब की, किसी और खुदा की या किसी और इलाह की हम इबादत नहीं करेंगे। और ये वक्त, अब जब हम ये बात कह रहे हैं तो शायद हो सकता है कि ये बात जुल्म वाली ज्यादती वाली हो, किसके लिए, यानी बादशाह के लिए, क्योंकि वो तेश में आ जाए, गुस्से में आ जाए और इन लोगों पर जुल्म करे। तो यहाँ पर इसी बात को ये कहा जा रहा है कि हम हरगिज नहीं मानेंगे। इस आयत से हमें पता चलता है कि इन लोगों का कितना अपने आप ईमान में पुख्ता यकीन था कि उन लोगों को अपनी मौत की या जुल्म और ज्यादती की किसी चीज की कोई फिक्र नहीं थी। वो बेखौफ और निडर होकर अपने आप को बादशाह के सामने क्लियर करते हैं कि हम आपकी बात मानने वाले नहीं हैं। तो इसी वजह से इस बात से समझ में आता है कि अल्लाह ताला जो इंसान अपने दिल में तड़प रखता है, जो इंसान मोहब्बत रखता है अल्लाह रब्बुल आलमीन से, हिदायत की तलब रखता है, और जो अपने ईमान को बढ़ाना चाहता है, जिसके अंदर वो ये तरह ये होती है कि अल्लाह मुझे तौफीक दे, मेरा ईमान पुख्ता हो, तो अल्लाह ताला उन लोगों के लिए वो जिद ना हो हुदन, तो अल्लाह ताला उनकी हिदायत को भी उनके लिए ज्यादा कर देता है और अल्लाह उनको मजबूत कर देता है उनके दिलों को इस ईमान के साथ। यानी कोई चीज इतना मजबूत उनका ईमान होता है कि कोई चीज उनके लिए डगमगा नहीं सकती उनके ईमान को, यानी कमजोर नहीं कर सकती उनके ईमान को। आप देखते हैं हम किस तरह से, अगर आप कहेंगे कि आज अगर हम इसकी मिसाल लें कि हमारा ईमान क्या है, हाँ, हम अगर हमारे अंदर वो बर्दाश्त की कुव्वत है, अगर हम पर कोई ईमान पर बात आ जाए, आज हम मतलब एक चीज को छोड़ नहीं सकते अल्लाह और उसकी खुशी की खातिर। यानी हम वेस्टर्न कल्चर को बोलिए, इस चीज को जब इस्लाम ने मना किया है किसी भी तरह का, जैसा मिसाल के तौर पर लीजिए पर्दे के मामले में है, यहाँ हमारा ईमान कमजोर पड़ता है, या रस्म रिवाजों को अपनाने के मामले में, शादी ब्याह की, यहाँ हमारा ईमान कमजोर पड़ता है, बर्थडे बच्चों की बर्थडे पार्टी करना या बच्चों की बेजा मोहब्बत लाड़ प्यार, यहाँ हमारा ईमान कमजोर पड़ता है। ऐसी चीजें हम दीन में करते हैं जो हमारे दीन से रिलेटेड नहीं है, जिसका हुक्म ना हमारे अल्लाह ने दिया हमें, जहाँ ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किया है, तो हम उन चीजों को अपनाते हैं। तो कहाँ हमारे मतलब हम उन चीजों को छोड़ने के लिए, वो तो चलिए इन नौजवानों का तो ये देखिए कि ईमान इनका ऐसा था कि उन्होंने बादशाह के सामने, अगर कोई इंसान चाहता तो बादशाह के सामने डर कर खौफ से कह देता कि नहीं यही है, चलो हम बाद में हमारा ईमान कंटिन्यू करेंगे जो है, लेकिन बादशाह के सामने भी कह दो कि नहीं नहीं आप ठीक हैं। ये उनका ईमान का, ये तकवे का उनका लेवल था सुभान अल्लाह, कि उन्होंने बेनिडर होकर कहा कि हम तो उसी रब को मानेंगे, उसी इलाह को मानेंगे, उसी माबूद को मानेंगे जो रब हमारे आसमानों का है, जमीन का है, हम उसी पर अपना ईमान रखेंगे। आज हम उस रब के दावे करते हैं, हम कहते हैं आमनु हम ईमान लाए, लेकिन हमारे अमल बताइए, हम उस रब के लिए ईमान पर कायम रहने के लिए हम अपनी एक ख्वाहिश को नहीं छोड़ सकते, हम अपने स्टेटस के हिसाब से चलने के लिए, दुनिया के साथ चलने के लिए, एम्बेरसमेंट हमें नहीं होनी चाहिए, कहीं हमें शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, हमें नहीं बर्थडे करना ही है बच्चों को, नहीं उन्हें बोलेंगे आपके पास पैसा नहीं, शादी इतनी ही लेवल की करनी चाहिए, कितनी चीजों में हम अल्लाह को नाराज करने के काम करते हैं। ईमान ये भी आया ना कि हम अल्लाह के खातिर कितनी बुराइयों को छोड़ रहे हैं,
वो अपनी जान की परवाह नहीं किए बगैर ईमान की खातिर बादशाह के सामने दो टोक अल्फाज में ऐलान कर देते हैं कि हम एक अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे। हम ये ऐलान नहीं कर सकते कि हम ये सारी चीज अल्लाह के खातिर छोड़ देंगे, ये हम मेरे ना अल्लाह ने हुक्म दिया ना मेरे नबी ने इस काम को किया है। कोई एक मामूली सी चीज हम छोड़ नहीं सकते। पर्दे के मामले में लीजिए, नहीं चलता है, चेहरे का पर्दा नहीं करे तो भी चलेगा। चलो ऐसा पर्दा नहीं, अपनी मर्जी का पर्दा जिसे अपनी सहूलत तो हमने बता लिया, क्या ये वाकई में मेरे अल्लाह और उसके रसूल का काम है या बाकी चीजों को हम देख ले। कितनी चीजों में हम वाकई, आज तो हमारे पास नौजबिला ऐसा तो वक्त नहीं आया है कि हमारे हम पर वो जुल्म और सितम ढाया जा रहा हो जो उस वक्त था, या हमें मौत का डर हो कि अगर हम ईमान लाए। लेकिन हमारी जिंदगियों में आज हमारे लिए यही है कि हम अपने ईमान पर कितना मजबूत हैं, हम अपने ईमान को कायम रखने के लिए वो क्या चीजें कर रहे हैं जो वाकई में सच और हक के साथ अल्लाह ने जिनका हुक्म दिया है हमें, जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। तो यहाँ अल्लाह ताला वही बता रहे हैं कि हमारा कहना, ये लोग खुद कह रहे हैं कि हमारी ये बात कहना शायद उस बादशाह के लिए नागवार हो जो बादशाह दरबार में है, दकियानूस जो खड़ा हुआ है, सब दरबारी ठहरे हैं। उन बादशाह के सामने हमने तौहीद का बयान दिया है, हमने कहा है कि हम एक ही अल्लाह को इबादत मानेंगे। तो यानी हो सकता है कि उसे हद से तजावुज कर जाए ये बात, यानी ये बात उसको लगेगी बहुत झूठी। शतता का माना होता है कि झूठ या हद से ज्यादा तजावुज कर जाने वाली। तो लेकिन वो कहते हैं कि हा उलाई, ये कौमुना हमारी कौम है, इत्तखजू उन्होंने बना लिए मिन दूनी अल्लाह के सिवा आलिहा कई माबूद, लौला कई लौला क्यों नहीं यकून वो लाते अलैहि उन पर बिसुल्तान कोई दलील बईन वाजे। अब यही कह रहे हैं आपस में जब उन्होंने ऐलान कर दिया, इस तरह से बता दिया कि हम एक अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करने वाले नहीं हैं। तो उस वक्त तो बादशाह को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, बड़ा सख्त बादशाह था क्योंकि सरकश था, वो सबको शिर्क की तालीम दे रहा था, बुत परस्ती कर रहा था, ये सब हमें मालूम है। जब ये तमाशा वहां पर हुआ, उसने बुलाया और जब ये इन लोगों ने हक को बताया, तो ये लोग सारे इन लोगों को उसने जब देश में आकर मारने का हुक्म दे दिया, फिर उसने अपने आप को रोका और कहा कि मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम देता हूँ, 3 दिन का वक्त देता हूँ, तुम 3 दिन के वक्त में पलट कर मेरे दीन में दाखिल हो जाओ वरना तुम्हें संसार किया जाएगा, यानी तुम्हें जिंदा दरबोर किया जाएगा या मार दिया जाएगा। अब देखिए अब क्या होता है, फिर ये लोग वहां से जाते हैं, सब एक दरख्त के नीचे फिर मिलते हैं। जैसा हमने पहले भी देखा था कि ये सब अलग अलग होते हैं, कोई इसमें से एक दूसरे को जानने वाला नहीं होता, लेकिन यहाँ पर इनको किस चीज ने जमा किया था, एक अल्लाह की इबादत ईमान तौहीद ने उनको यहाँ पर जमा किया था। ये लोग सारे एक जगह जमा हो जाते हैं, तो फिर उनमें से कहते हैं कि ये हमारी कौम, अब यहाँ से होता है इन लोगों का किस ये कि ये हमारी कौम जो है, जो इत्तहदु जिन्होंने बना लिए हैं मिन दूनही अल्लाह के सिवा आलिहतन कई माबूद, ये क्यों नहीं लाते अलैहि उनकी इबादत, जो जिसकी इबादत ये जो कर रहे हैं उस पर कोई दलील कोई प्रूफ क्यों नहीं लाते ये, ठीक है वाजे वो भी क्लियर। हाँ हम लोगों से कह रहे हैं कि उसकी इबादत करो ये करो, हमारा रब तो हक है, हमारे रब की तो ये कुल कायनात देखकर हमें ईमान पता चलता है कि ये वाकई ये पैदा करने वाला एक रब्बुल आलमीन होगा। तो इनकी तरफ से जो हमें ये कह रहे हैं दावे में पक्के हैं, जो हमें शिर्क करने के लिए कह रहे हैं, तो अपने इस दावे के मुताबिक ये कोई दलील कोई प्रूफ क्यों नहीं लाते, कोई एविडेंस क्यों नहीं देते हमें, वो भी कैसे क्लियर वाजे एकदम। फिर यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि फिर कौन ज्यादा जालिम है, शख्स जिसने बांधा अल्लाह पर झूठ कजीबा। यानी अब ये बादशाह दरबार में इतने मतलब तेज गुस्से में ये जो कलिमात कह रहा था, तो अब ये कह रहे हैं कि यानी ये झूठ हमारे सामने मौत का ये पैगाम रख रहा है, बता रहा है 3 दिन का हमें फैसले का इख्तियार दे रहा है और कह रहा है कि तुम्हें 3 दिन की मोहलत दी जाती है। अब अल्लाह यहाँ पर ये इनकी गुफ्तगु आपस में चल रही है, ये इन लोगों की आपस में गुफ्तगु इस तरह से चल रही है इन नौजवानों की। इन्होंने कहा कि हमारी कौम है, फिर हमें लाते हैं जब दरबार में ये जो भी हुई थी, तो फिर कौन ज्यादा जालिम है, शख्स है जिसने बांधा अल्लाह पर झूठ। तो ये अपने आप से कह रहे हैं कि ये लोग अल्लाह पर झूठ बांधकर ये जालिम है, इनके पास इस बात का कोई प्रूफ भी नहीं है और हम लोगों पर ये जुल्म कर रहे हैं, हमें ये मौका दे रहे हैं, हमें ये कह रहे हैं कि 3 दिन का आपके पास टाइम है कि अगर या तो फिर कर आओ हमारे दीन में वापस, तो तुम्हारे लिए जिंदगी है, अगर तब अगर तुमने नहीं इस दीन से रोका अपने आप को
और अपने दीन पर ही तुम कायम रहे तो तुम्हारे लिए जिंदा दरबार करने की सजा यानी तुम्हें जिंदा मार दिया जाएगा। तो अब यहाँ हम देखेंगे आयत नंबर 15 तक हमने ये देखा, आगे हम देखेंगे कि अल्लाह ताला किस तरह से उनको कहते हैं कि वो इबादत जो अल्लाह के सिवा तुम करते हो तो अल्लाह ताला ने उनके लिए किस तरह से आसानियां की, हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहाँ तक हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। आज की आयतों से अगर हमने देखा, अगर हमने सबक लिया, तो आज की आयत में बहुत अहम सबक हमें जो मिलता है वो है कि हमारा ईमान कितना मजबूत होना चाहिए, कोई मुश्किल कोई दुनिया की ताकत हमारे ईमान में रुकावट पैदा ना करे, हमारे ईमान को ना डगमगाए, हमारे ईमान को कमजोर ना करे। कोई भी चीज करने से पहले हम देखे हमारे ईमान को खुद टटोले। आज हमारे पास ये वक्त नहीं आया है कि हम पर जालिम बादशाहों की हुक्मरानी हो या हम पर ऐसा जुल्म किया जा रहा हो कि अगर हमने इस्लाम क्यों कबूल किया है, हम इस्लाम ये क्यों है। है बाज जगह पर, लेकिन ऐसा दौर नहीं है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, ये चंद उन नौजवानों का था। तो इतना मौत उनके सामने है, उन्हें पता है कि बादशाह हमें क्या हुक्म देगा, किस तरह से होगा, फिर भी वो मजबूती के साथ उन्होंने कबूल किया मौत को, लेकिन ये गवारा नहीं किया कि वो अपने अल्लाह की इबादत से अपने ईमान को कमजोर कर कर ये बात कह दे कि नहीं ठीक है हम तुम्हारी बात को मान लेंगे, फिर वो वहां देखा जाएगा। नहीं, बल्कि उन्होंने हक के साथ डटे रहे, उस पर जमे रहे और वहां पर बादशाह के सामने दो टोक अल्फाज उन्होंने कह दिया। मजबूरन बादशाह को इन नौजवानों के खाते 3 दिन का वक्त देना पड़ा, वरना वो उनको वहीं मारने का हुक्म देता, लेकिन फिर उसको ख्याल है कि नौजवान नस्ल है, जोश में इस तरह से कह रही है, उसको इन लोगों को वक्त दे दिया जाए। तो देखिए, अगर हम अपने आप को आज टटोले कि हमारा ईमान कहाँ है, हम क्या इतने निडर हैं, हम क्या हक के साथ हक की बात को इतने निडर बनने से इतने बेखौफ होकर निडर होकर कह सकते हैं। बाकी का छोड़िए, हम अगर हमारे घरों में ही हम उस हक को ये कर सकते हैं, अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम रोक सकते हैं, हम कह सकते हैं कि नहीं ये गलत है, इसलिए अल्लाह ने इस बात का हुक्म नहीं दिया है, हम तो ईमान वाले हैं, हम मोमिन हैं, हम मुसलमान हैं, हम इस बात को नहीं मानेंगे। पूरी दुनिया का छोड़िए, दुनिया को दावत देना, अमल बिल मारूफ की तरफ बुलाना, ये तो छोड़िए, हम अपने खुद घरों में जाके कि हम क्या बुराई को देखकर हमारा दिल तड़पता है कि गलत हो रहा है, ये बुरा हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, इस चीज का हुक्म नहीं दिया मेरे रब ने। आज हमारा यही लेसन होगा कि हम अपना मुहासिबा करें कि हम अपने ईमान में कितना कितना पुख्ता हैं, कितने हम इसमें अपने आप को मुकम्मल रखते हैं, यानी 100% है हम, कितने परसेंट हैं, हम कितना दे रहे हैं अपने ईमान के लिए। ये हम खुद अपना मुहासिबा करें कि हमारे घरों में हमारे बच्चे ना जाए इस चीजों की उम्मीद करते हैं, हमसे चीजें मुतालबा करते हैं, हमारे घरों में चल रही है बेजा जो इस्लाम में जिसका कोई जिक्र नहीं, हर आई जी पैसे के मामले में लीजिए, स्टेटस के मामले में लीजिए, हरार हराम का हराम कमाई करने के मामले में लीजिए, कि वाकई में हम इस दुनिया की शोहरत इज्जत और इसकी खातिर हम हलाल कमाई कर रहे हैं, हमारी कमाई कैसी है, हर चीज में हम गौर करें कि हम ईमान। आज ये नहीं है कि हम बल्कि बादशाह के सामने जाकर बेनिडर होकर कहें कि हम ईमान लाए हैं, आज हमारा इम्तिहान इसी तरह से है कि हम अपने नफ्स को कितना काबू में रख रहे हैं, इस नफ्स को कितना हम अल्लाह के अहकाम के मुताबिक चला रहे हैं, कितना रसूल अल्लाह की सुन्नतों को हम अपना रहे हैं अपनी जिंदगी में, कितना हम अल्लाह को खुश करने के काम करें, यही हमारी आज हमारा असल इम्तिहान यही है। उन नौजवानों का इम्तिहान तो वो था कि वो तौहीद पर थे, वो दूसरों की इबादत करने के लिए तैयार नहीं थे, आज हमारा इम्तिहान यही है। बिस्मिल्लाह, शुरू अल्लाह के नाम से। सुम्मा फिर बअसना ना हमने हुम उनको बअस उठाया, बअस उठाया ना हमने हुम उनको ली ताके नालम ना हम आलम जान ले अयु कौन अल हिस्बैनी दो ग्रोहों में से अहसा ज्यादा याद रखने वाला है। लीमा इसको यानी इस मुद्दत को इस टाइम को लबी तू वो ठहरे रहे अमदन इस टाइम तक इस मुद्दत तक नहनु हम नकुसु बयान करते हैं अलैका आप पर नबा वाकिया हम उनका बिल हक की हक के साथ इन्नहुम बेशक वो फितयतुन चंद नौजवान थे आमनु वो ईमान लाए थे बिरब्बिहिम बी रब्बी बी साथ रब रब के हिम अपने अपने रब के साथ वो
और जिद ना ना हमने जिद ज्यादा किया था हम उनको, और हमने ज्यादा किया था उनको हुदन हिदायत में। वो रबतना व और ना हमने रबत मजबूत कर दिया, और हमने मजबूत कर दिया अला कुलूबिहिम, अला को कुलूब दिलों हिम उनके उनके दिलों को। इस जब कामू वो खड़े हुए, वकालू तो उन्होंने कहा रब्बुना हमारे रब, ना हमारा रब्बू रब हमारे रब ये हमारा रब, रब्बू रब असमावात आसमानों का, असमा इसका सिंगुलर है एक के लिए कहेंगे असमावात ये प्लूरल है आसमानों, वल अर्ज और जमीन, जमीन का कोई प्लूरल ये नहीं आती जमा नहीं आती ये सिर्फ सिंगुलर ही होगा अल अर्ज जमीन, लन हरगिज नहीं नदओ हम पुकारेंगे मिन सिवा दूनी ही उसके सिवा, मिन से के माने में सॉरी दून सिवा ही उसके उसके सिवा। अब यहाँ पर से को हमने लिखा नहीं है क्योंकि तर्जुमे में सही नहीं हो रहा है, यानी उसके सिवा उसके अलावा से उसके सिवा से इस तरह से होगा। इलाहन किसी और माबूद को, ल अलबत्ता कद तहकी कुलना हमने कही इदन इस वक्त शतता जुल्म ज्यादती वाली बात, हा उलाही ये कौमुना हमारी कौम है, इत्तखदू उन्होंने बना लिए हैं मिन दून ही उसके सिवा यानी अल्लाह के सिवा आलिहा कई माबूद, लौला लौ क्यों ला नहीं या तू ना वो लाते अलैहि अलै पर ही मुन उन पर बिसुल्तानी कोई दलील बयिन वाजे, फ फिर मन कौन अजलमु ज्यादा जालिम है मिम मन इस शख्स से जिसने मिम इस शख्स से मन जिसने इफ्तरा बांधा अल्लाह ही अल्लाह पर झूठ कदीबा झूठ। अल्हम्दुलिल्लाह आयत नंबर 15 हमारी क्लास 15 तक हम इख्तिताम करते हैं क्लास का। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने वाला बनाए, अल्लाह ताला हमारी जिंदगियों में हमें अल्लाह की मर्जी के मुताबिक गुजारने वाला उस पर अमल करने वाला बनाए, अल्लाह के अहकाम को पूरा करने वाला बनाए, हमें नफ्स के हवाले ना करे, जो भी हक बात हमने कही है अल्लाह ताला की तरफ से भी जो भी गलती होता है ये शैतान की तरफ से अल्लाह ताला माफ फरमाए।